नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। स्ट्रांग रूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मांग की है। पेपर लीक का संदेह, लंगर डालना। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय की चल रही परीक्षा में एबीवीपीए ने एमबीटी कॉलेज के स्ट्रांग रूम से बीए सेमेस्टर 3 का पेपर लीक होने की आशंका के साथ स्ट्रांग रूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मांग की है। एबीवीपी द्वारा कराली सबमिशन में कहा गया था कि वर्तमान में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय बीए सेमेस्टर 3 की परीक्षा चल रही है। एमटीवी आर्ट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जिसमें प्रश्न पत्र रखा गया है। उस परीक्षा का प्रश्न पत्र पिछली शाम करीब 5:30 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाता है। विश्वविद्यालय में हर कॉलेज सेंटर का स्ट्रांग रूम सीसीटीवी लाइव होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय के पास स्ट्रांग रूम की कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय ने बेबसी जताते हुए कहा कि सिर्फ एमटीवी कॉलेज ही स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। लंबे समय से बिना सीसीटीवी फुटेज के स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर प्रश्न पत्रों के सीलबंद लिफाफे को खोलने के बजाय पूर्व संध्या पर ही खोली जाती है, ये भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा स्वीकार किया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि एमटीवी के स्ट्रांग रूम में रात में कागज का ढक्कन खोला जाता है। कॉलेज जब सीसीटीवी फुटेज देने को भी तैयार नहीं होता है तब शक साफ हो जाता है। इससे विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी सामने आ रही है। फिर नकल मामले में छात्रों को निलंबित करने वाले विश्वविद्यालय से अब इस कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। नमस्ते, जहानी पवार, सूरत महानगर। आज मुझे आवेदन है एक से एमटीवी कॉलेज में गया थी सिलबस पेपर उन्हें आगे देखते खोली देखें प्रिंसिपल द्वारा जो चिंता विद्यार्थी है एमने आप विषय यूनिवर्सिटी फीज आप आप ऑफिस में कोई पर सब्सिडी करना नहीं। सो मुद्दों ये है कि जो विद्यार्थी अथक मेहनत करे खरेखर लायक है एकदम टॉप करवा के माओ गए थे पूर्ण व्यवहार कर કઈ રીતે ખબર પડી કે પેપર લીક કરવામાં આવે છે? વિદ્યાર્થી પરિષદની જે રીતે જાણ થઈ રીતે શંકાનો માહોલ ઉભો થયો એમ પરમાં એ ચાલે છે નથી તેની પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા દરેક વસ્તુની જાણ અને ફરક કરવામાં આવી શું માંગ શું છે? માંગ એ છે કે આ જે પર આવે છે એના રીતે આગળ खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं वैसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।